तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे कि स्फीयर जो है कितने तरह के होते हैं। उसमें बताया गया था कि स्फीयर जो है दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर। होलो स्फीयर भी दो तरह के थे, कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। उसी तरह सॉलिड स्फीयर भी दो तरह के थे, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हम बताए थे कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और होलो कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के कारण जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, तीनों के कारण वो कहाँ था, सरफेस पे ही था। ठीक है, तीनों के कारण सेम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है तीनों के कारण क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहला जो है, हम बात करते हैं आउटसाइड रीजन का। आउटसाइड रीजन, जैसे मान लो कि एक स्फीयर बना लिया, ऐसे होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर है तो चार्जेस कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि अंदर तो बीच में क्या रहेगा, खाली रहेगा, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए सारे चार्जेस कहाँ रहेंगे, हमारे सरफेस पे रहेंगे। अब कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, होलो के लिए सारा चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे। अब मान लो कि इस स्फीयर का रेडियस आर है और इस पे चार्जेस जो है क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। तो हमको बताना है कि इससे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे, आउटसाइड पी पॉइंट पे, कहीं भी पी पॉइंट पे रहे और आर डिस्टेंस दूर जो है सेंटर से, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बहुत आसान है, हम यहाँ पे आज जो है हम फिलहाल हम ऐसे ही लिखते रहे हैं फॉर्मूला वर्मूला, आगे चल के हम इसको प्रूव भी कर देंगे गॉस लॉ से, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये समझ लो कि सिंपल सा चीज है, इसका फॉर्मूला तुमको लिखो लिखते रहे। देखो जब पी पॉइंट से जब देखेंगे तो ये जो पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर होलो स्फीयर, ये जो है लगेगा कि पॉइंट चार्ज है, कहाँ पे सारा चार्ज है, इसके सेंटर पे है। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे आर डिस्टेंस दूर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सब लिख लेना अपने से, होलो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग जो भी है स्फीयर विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यों होगा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज एट सेंटर, ठीक है ना। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग जो भी है, वो जो है सारा चार्जेस कहाँ पे लगेगा, कि सेंटर पे है, और इससे q अगर चार्ज है r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq by r स्क्वायर। अच्छा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो E इज इक्वल टू लिखो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हो गया हमारा, जहाँ आर कैप डायरेक्शन हो गया और के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। या ऐसे लिख लो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप पे लिख लो आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, तो E इज इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर,
क्लियर हुआ। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला रीजन पे। मान लिए कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आर कैप है, आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतना होता है। देखो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, 1/r2, माने डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अच्छा आउटसाइड के लिए एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल आर का वैल्यू होगा कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा, और स्फीयर के रेडियस से क्या होगा, बड़ा। अच्छी बात है। अगला पॉइंट दूसरा पॉइंट है इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो ये हमारा है होलोस्फीयर, और यहां पर मान लो कि पॉइंट है, और इससे आर डिस्टेंस दूर हम इनसाइड निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, समझना। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो, सारे चार्जेस कहां पर है सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ यहां पर कि पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, समझना। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अंदर जो है, देखो ध्यान से, पहले मान लो कि यहां पर एक डी क्यू चार्ज कट किया, यहां पे किसी भी पॉइंट पे चल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कैसे समझो। यहां पर मान लो एक डी क्यू चार्ज कट किया, तो डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी, जो होगा के इंटू डी क्यू अपॉन यहां से इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस ए है, ए स्क्वायर। अब यहां पे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से यहां पर इधर आया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा बता रहे हैं, यहां पे डी क्यू का कारण इधर आया, इस डी क्यू के कारण किधर आया, इधर आया। लेकिन एक जस्ट सामने एक और एलिमेंटल स्ट्रिप कट करें तो डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा थोड़ा सा डी। ये डी ई जो है ये दोनों सेम है, क्यों सेम है, डी ही क्यों लिख दिए। तो देखो कि यहां पे डिस्टेंस जो है क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम। लेकिन यहां पे डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज्यादा। डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन यहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट से देखो, अगर यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो इसके अलोंग जो इधर का चार्जेज जो है ज्यादा है, और इधर के चार्जेज क्या है, कम है। तो इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैनेज होता है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जीरो। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जीरो आता है। आगे चल के और भी इसको बढ़िया से हम पढ़ाएंगे कि कैसे होता है जीरो, गॉस लॉ में सीखेंगे, फिर कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो और सीखेंगे। तो अंदर जो है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, समझ गया ना। यहाँ पे आर जो होगा लेस देन क्या होगा, आर। इसका रेडियस अगर स्फीयर का कितना है, रेडियस है स्फीयर का कितना, कैपिटल आर। तो अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे देखो, अगर कोई बोले कि ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर वेक्टर फॉर होलो स्फीयर और सेल, तो इसके लिए जो है हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, समझो। देखो ध्यान से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आर वेक्टर है। ध्यान से देखो कि जीरो से लेके आर तक अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना था, जीरो। आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या था, छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो। ये वाला आर वाला पॉइंट है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन की तरह बनेगा। यहाँ पे ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, जीरो।
इलेक्ट्रिक फील जीरो, लेकिन जैसे ही आर पे पहुंचे तो आर पे इलेक्ट्रिक फील कितना होगा, आर पे इलेक्ट्रिक फील होगा कितना, E इज इक्वल टू कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर बाहर पॉइंट है, E इज इक्वल टू के क्यू आर, तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा आर इक्वल टू आर, पुट करेंगे यहाँ पे तो जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सरफेस पे होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील सरफेस पे, क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो जीरो है, सरफेस पे देखो मैक्सिमम है, और फिर क्या हो रहा है कि आउटसाइड रीजन में, आउटसाइड रीजन में कि E वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर है, मैंने डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटेगा, ठीक है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, क्लियर हुआ। तो ए था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। अब एक दो सवाल कर लेते हैं इस पे, देखो ध्यान से बनना, सवाल है ऐसे, सवाल है कि यहां पर एक सेल है, यहां पे क्या है सेल, इसका चार्ज दिया हुआ है क्यू और इसका रेडियस दिया हुआ है आर, सेल है, सेल यूनिफॉर्म सेल है। अब क्या हुआ कि इससे हमको आर बाई टू डिस्टेंस दूर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, आर बाई टू डिस्टेंस दूर एक यहां पे क्या रखा हुआ है क्यू चार्ज। सवाल है कि फाइंड, फाइंड पहला नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय, अप्लाइड बाय क्यू चार्ज ऑन क्यू, और दूसरा सवाल है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय, अप्लाइड बाय क्यू चार्ज ऑन क्यू। ये सवाल है, तो बढ़िया सवाल है, आराम से समझो। देखो यहां पे समझने वाला सवाल है और कुछ नहीं है, एक बात बताओ कि अगर हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, इस Q चार्ज पे, अगर इस Q चार्ज पे ही सेंटर है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि चार्जेज जो है ऐसे हैं, यहाँ पे चार्जेज ऐसे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे समझना कि इस चार्ज से यहाँ पे चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और इस चार्ज से इधर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्टेंस कम है, तो P पॉइंट पे तो फोर्स निकालना मुश्किल ही है, नहीं बहुत मुश्किल है बाहर वाला के कारण, इस अंदर वाले के कारण इस बाहर वाले पे फोर्स निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि A वाला चार्ज जो है, A वाला चार्ज dQ चार्ज, ये कम डिस्टेंस पे है, बोलो उसी तरह यहां पे A वाला Q चार्ज, A वाला Q चार्ज, A वाला dQ चार्ज जो है वो इस Q चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पर है, देखो ए वाला dQ चार्ज जो है ज्यादा डिस्टेंस पर है, ए वाला Q चार्ज के कारण ई वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा डिस्टेंस पर है इधर, बोलो तो यहां पे इस Q चार्ज पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स Q चार्ज के कारण इस कैपिटल Q पे निकालना तो बड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ हम एक चीज बता सकते हैं कि बाहर वाले के कारण अंदर वाले जो है P पॉइंट पे जो Q चार्ज रखा हुआ है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, क्यों, फोर्स का फॉर्मूला आता है चार्ज इनटू बाहर वाले के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बाहर वाले सेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, जीरो, मतलब बाहर वाले सेल जो है वो अंदर वाले चार्ज पर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, नेट फोर्स कितना है, जीरो है, नेट फोर्स कितना है, जीरो है, लेकिन अंदर वाला चार्ज जो है वो बाहर वाले चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार जो कैपिटल क्यू चार्ज है क्यू पे जीरो फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो जीरो नीचे वाला चार्ज भी जो है अंदर वाला चार्ज वो भी बाहर वाले सरफेस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जीरो, तो यहाँ पे आंसर दोनों का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर हुआ। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, यहां पर कोसेंट्रिक सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोसेंट्रिक सेल,
इसका चार्ज दिया हुआ है Q और इसका चार्ज दिया है Q, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सवाल है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाइड बाय क्यू चार्ज ऑन क्यू चार्ज। क्वेश्चन है ये क्यू चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बताओ। तो देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे कि इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके लिए निकालेंगे हम क्या कि यहां से एक छोटा सा, यहां पे छोटा सा चार्ज कट कर लेंगे इस पे dq, इस पे छोटा सा चार्ज कर लिए dq, तो इस q चार्ज के कारण इस बाहर वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर ऐसे सा होगा छोटा सा d, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा e होगा। इस अंदर वाले q चार्ज के कारण बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा e, तो इस पे छोटा सा फोर्स लगेगा df और उसका वैल्यू होगा चार्ज इनटू इस q चार्ज के कारण ये बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज है ऊपर कितना dq इनटू वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड e। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस q चार्ज के कारण सामने जस्ट सामने नीचे इसके जस्ट सामने जो है जस्ट सामने इस q चार्ज के कारण यहां पे एक छोटा सा चार्ज कट कर ले रहे dq, इसके कारण यहां पे फोर्स आएगा छोटा सा df, df इक्वल टू होगा चार्ज इनटू वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dq इनटू k q बाय r स्क्वायर। बताओ अंदर वाला चार्ज जो है उसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे लगेगा कि एक पॉइंट चार्ज है ये, और पॉइंट चार्ज के कारण बाहर वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ/r² होता है। यार देखो ना ये होलोस्फीयर हो गया, होलोस्फीयर के आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, उसी तरह नीचे जो है नीचे वो भी कितना होगा, तो dq * k q / r² बताओ। ये दोनों फोर्स जो है इक्वल अपोजिट है, इसलिए दोनों फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, मतलब ई फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे कट करें ऐसे इस q चार्ज के कारण यहाँ पे छोटा सा चार्ज कट करें dq, तो इस dq चार्ज पे छोटा सा फोर्स लगेगा ये जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पे फोर्स इस q चार्ज के कारण इस सेल के कारण बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो छोटा सा फोर्स आएगा dq into इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k q / r² उसी तरह जस्ट सामने अगर हम इधर भी कट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे इस पे छोटा सा चार्ज होगा dq और इस dq चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर df बराबर कितना dq इनटू अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं हम लोग KQ/r². ये दोनों फोर्स भी इक्वल हो क्या है अपोजिट है, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा जीरो। उसी तरह अगर हम इधर कट करेंगे dq चार्ज, तो dq चार्ज के कारण dq चार्ज पे जो है अंदर वाले सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे e और इस पे फोर्स लगेगा इधर छोटा सा df इक्वल टू अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर वाले फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dq इनटू KQ/r². लेकिन इसके जस्ट सामने कट करेंगे तो फिर से जो है इधर आएगा इस छोटे से चार्ज पे फोर्स लगेगा df इक्वल टू इस पे चार्ज dq इनटू अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², फिर से इक्वल अपोजिट है कैंसिल कर गया कितना हो गया जीरो। तो अंदर वाले चार्ज जो है वो बाहर वाले सेल पे नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो, अंदर वाले चार्ज जो है बाहर वाले सेल पे नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो कर रहा है, तो नेट फोर्स जो है नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। लेकिन बाहर वाले चार्ज जो है उन अंदर वाले चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो भी जीरो, न्यूटन थर्ड लॉ से। ऐसे भी समझ सकते हो कि ध्यान से देखो, ऐसे भी समझो कि बाहर वाले चार्ज जो है वो अंदर वाले चार्ज पे, बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और जैसे ही हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हर एक चार्ज पे फोर्स लगने वाला भी कितना होगा जीरो होगा, हर एक पॉइंट पे जीरो है, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स लगने वाला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बाहर वाला जो चार्ज है ना उसके कारण है। अब इसके कारण बाहर वाले सेल के कारण अंदर तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर सेल में बताए थे कि बाहर वाले चार्ज के कारण इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, तो E = 0 लिखे हैं, ये ड्यू टू क्या है कैपिटल क्यू चार्ज है, बाहरी वाला चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पे फोर्स भी कितना लगेगा, इस हर एक छोटे छोटे dq चार्ज पे फोर्स लगेगा जीरो,
तो इस पे हर एक छोटे छोटे स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा, छोटे छोटे पार्ट पे फोर्स लगेगा जीरो लगेगा। क्लियर हुआ? चलो क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल देखो, समझो एक और सवाल। जैसे मान लो कि यहां पर एक स्फीयर है, देखो सॉरी, यहां पर एक स्फीयर है, यहां पे एक स्फीयर है और यहां पर एक आर्बिट्ररी सरफेस है, आर्बिट्ररी सरफेस। इस पे चार्ज दिया क्यू, इस पे चार्ज दिया स्मॉल क्यू, ठीक है। अब आ रहे, अब बताओ फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय, अप्लाइड बाय क्यू चार्ज ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। अब देखो ऐसे ही सवाल है, तो यहां पे एक बात बताओ समझो कि अंदर वाला हर एक क्यू चार्ज जो है, हर एक क्यू चार्ज उसके कारण जो है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना पॉसिबल है? नहीं निकालना पॉसिबल। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, इसका सरफेस आर्बिट्ररी है, समझ में आया ना? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो हम बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, हमारे बस की बात नहीं। इस क्यू चार्ज के कारण बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम मान लो कि छोटा सा चार्ज डीक्यू कट करें तो इस पे फोर्स आएगा डीक्यू इनटू अंदर वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अंदर वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ और सोचते हैं, देखो क्या हम क्या सोचते हैं कि अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर वाले चार्ज पे फोर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी देख लो न्यूटन थर्ड लॉ के, बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले चार्ज पे फोर्स निकालना पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। कैसे? देखो बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। बाहर वाले सेल के कारण अंदर वाले हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल टू जीरो इंटू क्यू, फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो हर एक पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार नीचे वाला भी, अंदर वाला चार्ज भी है, वो बाहरी वाले जो आउटर सरफेस है उस पर नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ नेट जो है वो कितना हो जाने वाला है? जीरो होने वाला है। क्लियर हुआ? चलो तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर। एक और बच जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्जेस कहां पर रहते हैं? तो चार्जेस पूरा वॉल्यूम में फैले रहते हैं, पूरा वॉल्यूम में। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्जेस होंगे बाउंडेड होंगे, पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। मान लो रेडियस कितना है आर, तो रो इक्वल टू लिख सकते हो क्यू बाई वी, निकाले होंगे तो याद होगा तो बताए थे कि थ्री क्यू बाई फोर पाई आर क्यू, ये था रो। अब जो है हम इनसाइड आउटसाइड और इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड स्फीयर के कारण। आगे चल के इसको जो है हम गॉस लॉ से भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। देखो कैसे, पहला जो है हम पढ़ने वाले हैं आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर हो गया मेरा और यहां पे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और यहां पर इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब चार्जेस पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ऐसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक वॉल्यूम में, छोटा छोटा वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो हमको इन आउटसाइड निकालना है, मैंने स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना,
हम क्या करेंगे, ध्यान समझो, हम जो है हम क्या करने वाले हैं कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये जो सॉलिड स्फीयर तुमको दिख रहा है नॉन कंडक्टिंग, ये छोटे छोटे किससे मिलकर बना है, सेल से। छोटे छोटे किससे मिलकर बना है, सेल से। तो हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा सेल कट करते हैं। क्या कट करते हैं, सेल। और सेल के कारण जो है वो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं। तो एक छोटा सा कट करते हैं सेल जिसका थिकनेस कितना है, dx दिया हुआ है। जिसका थिकनेस कितना है, dx। जिसका थिकनेस है हमारा dx, ठीक है ना, ऐसे। थिकनेस दिया हुआ है dx। इस dx थिकनेस के सेल को हम कट किए और इस सेल के कारण, हम सेल के कारण निकालना चाहते हैं p पॉइंट। इसका मान लो चार्ज है dq। तो इस सेल के कारण जो है p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं कितना होता था, याद करो, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, dE होगा, dE। और उस dE का वैल्यू होगा k इनटू dq बाय सेंटर से बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। लेकिन बात है कि dq क्या होगा, dq कैसे लिखेंगे, लिख देंगे dq। देखो dq बराबर क्या होगा, रो इंटू dV, क्योंकि वॉल्यूम में पूरा फैला हुआ है चार्ज। तो बताओ कि dq इज इक्वल टू रो, रो कितना होगा, तो रो होगा हमारा कितना, 4 बाई 3, ओ सॉरी रो हम निकाल चुके हैं, कितना था रो, 3q बाई 4 पाई आर क्यू इंटू dV। dV कितना होगा, इसका वॉल्यूम छोटा सा कितना होगा, इस थिकनेस सेल का, तो सेल का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया होता है सरफेस एरिया, 4 पाई x स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना, dx। ये dq आ गया। तो अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए dE, तो कितना हो गया, k इंटू dq की जगह पे 3q अपॉन 4 पाई आर क्यू इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, k हो गया अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो बताओ कि अगर हमको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक और सेल कट करेंगे, एक और सेल कट करेंगे, एक और सेल कट करेंगे, कटते 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 पूरा सेल कटते जाएंगे, पहले r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, कटते कटते कहां तक जाएंगे, कैपिटल R तक कट करते जाएंगे, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते तो dE प्लस dE प्लस dE, छोटे छोटे सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dE। बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन dE, व्हाट इज dE, dE इज 3kq अपॉन, सही आर के बढ़िया से लिख लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3kq बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेके r तक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आ जाएगा कितना, 3kq बाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है r, निकल जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, 0 से लेके r तक। तो बताओ कि यहां पर 3kq बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई 3, ये जो है स्क्वायर बार में एक बार में आर क्यू बाई 3 हो जाएगा ना, यहां पर सही है ना, 0 से r तक, ओ सॉरी स्मॉल r लिख दिया, सॉरी स्मॉल r लिख दिया, कैपिटल r है, कैपिटल r, और यहां पे एक r क्यूब छूट गया है, r क्यूब, ठीक है, r क्यूब। तो यहां पर r क्यूब कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा इंटू r स्क्वायर, तो सही है, इंटू इंटू, देखो यहाँ आप अपर लिमिट हो गया आर स्क्वायर पहले से ही है, आर क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, आना ही चाहिए, आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आउटसाइड रीजन में जब पी पॉइंट से जब इसको देखेंगे तो सारा चार्ज लगेगा कि सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, क्यू बाई। उसको निकालने का एक और तरीका है, देखो बताओ कि डी ई इक्वल टू कितना है, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बताओ कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको डी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, डी कितना है, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, बताओ के को बाहर निकाल दो, के बाई आर स्क्वायर को, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा चार्ज का, पूरा इसका वॉल्यूम बन जाएगा, पूरा चार्ज बन जाएगा क्यू। तो सारा चार्ज आ जाएगा कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, पूरा वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा, क्लियर हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो
इस सेल के कारण पी पॉइंट पे जो है, सॉरी सेल बोल रहे हैं, इस सॉलिड स्फीयर के कारण, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अगला जो है दूसरा, वो थोड़ा सा देखने वाले इनसाइड रीजन में, दूसरा जो है हम देखने वाले हैं इनसाइड रीजन। आउटसाइड रीजन के लिए हम बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर ग्रेटर देन आर होना चाहिए, और इनसाइड रीजन के लिए आर लेस देन क्या होना चाहिए, आर। देखो मान लो कि एक सेल है, क्या सेल चार्जेस ऐसे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको इससे आर डिस्टेंस दूर मान लो कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना कि यहां पे इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। अच्छी बात है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इससे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले देखो कि यहां पे एक सेल कट करेंगे, तो सेल के लिए ई पी पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड रीजन होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि सेल है, सेल के कारण पी पॉइंट पे एक आउटसाइड रीजन होगा। एक और सेल कट करेंगे, इसके कारण भी पी पॉइंट पे आएगा, एक और सेल कट करेंगे तो इसके कारण भी पी पॉइंट पे आएगा, एक और सेल कट करेंगे इसके कारण भी पी पॉइंट पे आएगा, एक और सेल कट करेंगे इसके कारण भी पी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पी पॉइंट से आर से बड़ा हुआ, जैसे ही स्मॉल आर से जैसे ही बाहर गए, जैसे ही सेल कट किए, तो सेल के जैसे ही सेल किए ऐसे कट किए, तो बाहर वाले जैसे ही सेल की कट किए स्मॉल आर से बड़ा रीजन वाला, तो उसके कारण पी पॉइंट कहाँ आ गया, अंदर। और अंदर जैसे ही आ गया तो अंदर वाले रीजन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पर ऐसे जो है बाहर वाले सेल जो आर से बड़ा हो स्मॉल आर से, उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है कितना, जीरो। इसके कारण, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे डीई कहाँ से कहाँ तक, इसको जीरो से आर तक, तो सारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन बात पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जीरो से लेके आर तक, उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जीरो से आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये जो सेल है सेल के कारण बाहर वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। लेकिन जैसे ही हम आर से कैपिटल आर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, तो आर से कैपिटल आर तक रीजन के लिए तो अंदर वाला पॉइंट हो गया पी, कैसा पॉइंट हो गया, अंदर वाला। और अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया। अच्छा एक और स्फीयर से बना के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर सेल है, देखो अभी पी पॉइंट है, तो यहाँ पे सेल है, इसके कारण बाहर वाला पॉइंट हुआ, इसके कारण भी बाहर वाला पॉइंट, इसके कारण 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 बाहर वाला पॉइंट। लेकिन जैसे ही यहाँ से आर से जैसे ही दूर जाएंगे यहाँ से, तो इसके कारण जो पी पॉइंट हो गया वो अंदर वाला पॉइंट हो गया, अंदर वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। बताओ क्लियर हुआ, अच्छी बात है, बोलो। अच्छा तो एक बात बताओ कि यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, आर डिस्टेंस दूर जाके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर जाते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर जाते हैं। देखो एक्स डिस्टेंस दूर, अब एक कट लगाते हैं इसे, ठीक है। आगे हम सिखा रहे हैं अगला फिगर में, देखो कि ये सेल है, सेल है, तो यहां से हमको आर तक ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आर तक ही निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा कट लगा लेते हैं ऐसे। अभी जो कट है ये क्या कटेगा, एक होलोस्फीयर कटेगा। अब इस होलोस्फीयर के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। अब इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस वो कितना होगा, dx होगा। तो इस होलोस्फीयर के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत आसान, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k इंटू बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, छोटा सा dE, k इंटू चार्ज उसके कारण dq अपॉन r स्क्वायर, r नहीं r है, r स्क्वायर सेंटर से बीच का डिस्टेंस पी पॉइंट के। लेकिन ये dq कैसे लिखेंगे, लिख देंगे dq इक्वल टू लिखेंगे rho into dB अपॉन कितना, r स्क्वायर। तो बताओ कि यहाँ पे dE इज इक्वल टू k रो था कितना 3q बाई 4 पाई r क्यूब इंटू dB,
व्हाट इज डीबी, डीबी इसका वॉल्यूम छोटा सा जो कट किए इसका, इसका वॉल्यूम होगा 4πx² × dx, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर जो चार्जेज है इतना ही दूर में चार्ज इतना है dq, इतना दूर में चार्ज है dq into dB हो गया, अब हम कितना r², अब अगर हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा पूरा के लिए, तो पूरा के लिए तो बता ही दिए हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जीरो से लेकर आर तक उसको क्या करना पड़ेगा डी को इंटीग्रेट, तो बताओ कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी को कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर तक डी कितना है 3 k³, देखो ये वाला डी है अपॉन 4πr³ इंटू 4πx² × dx अपॉन कितना r², देखो 4π से 4π कैंसिल तो बाहर निकलेगा क्या, बाहर निकलेगा 3 k³r³ × r² बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा x² × dx 0 से लेके r तक, तो बन जाएगा 3 k³ upon r³ × r² × x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना 3 k³/r³ × r² × r³/3 तीन से तीन कैंसिल, वो आर स्क्वायर से एक बार में कैंसिल, और आ गया k³r³ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k³r³ ठीक है k³r³ आ गया, क्लियर हुआ, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर वाले पॉइंट पे, समझ गया ना अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू k³r² अपॉन कितना r³, ठीक है चलो वेक्टर फॉर्मेट हो गया। अच्छा एक और फॉर्मेट, रो इक्वल टू क्या होता है q/v, तो q बराबर क्या होगा रो इंटू वी, बताओ q इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम 4/3πr³, इसको यहाँ पे पुट करो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू की जगह पे रो इंटू 4/3πr³ अपॉन r³, ठीक है ना, के की जगह पे 1/4πε₀ भी लिख लो, तो 1/4πε₀ इंटू रो इंटू 4/3πr³ अपॉन r³, r³ से r³ कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, और ऊपर बच गया रो, अब एक स्मॉल r बचे ही है, देखो स्मॉल r को बचा ही है, के इक्यू ना है के क्यू आर अपॉन r³, देखो स्मॉल r बच गया है, तो ऊपर बच गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो r अपॉन 3ε₀, ये आ गया, ठीक है ना, ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है r है, माने जैसे ही जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा सरफेस तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब है, क्लियर हुआ, चलो ए डेरिवेशन याद रखना, नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखना, ये तो फॉर्मूला तुमको याद ही रहना चाहिए, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्मेट पूछे तो रो आर वेक्टर अपॉन 3ε₀, क्लियर हुआ, चलो आगे समझ में ना, चलो अगला एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे क्या होगा कि आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ना रो आर अपॉन 3ε₀, आर की जगह पे कैपिटल आर रख दो, 3ε₀ हो गया, क्लियर हुआ ना, सरफेस पे इतना होगा, तो अगर हम कोई पूछे कि ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर वेक्टर फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो बिल्कुल बना देंगे, देखो बिल्कुल बना देंगे, देखो कैसे, ध्यान सुनना, पहला जब E R का वैल्यू जो है कैपिटल R से बड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k³r², देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था 1r², यानी R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब R का वैल्यू लेस देन R हो तो आया k³r³ या रो आर अपॉन 3ε₀ है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है R है, लेकिन जैसे ही तीसरा नंबर बात करते हैं r इक्वल टू r पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k q r की जगह पे लिख देंगे कैपिटल r अपॉन r q
ये आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब बाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा रो वर्ग रूट 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सिमम आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉन्स्टेंट आया, कॉन्स्टेंट और मैक्सिमम आया, ठीक है ना, क्योंकि रो भी कॉन्स्टेंट है आर भी कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो ड्रॉ ग्राफ करने का, तो ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा ई वर्सेस है वी वेक्टर, अभी आर वेक्टर है, यहाँ पे आर इक्वल टू कितना है जीरो, यहां से यहां तक आर तक, जीरो से आर तक जो है आर का वैल्यू जब आर से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो y बराबर mx का जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ जो है बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है लिनियरली बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा। जैसे ही r पे पहुंचेंगे तो r पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा कितना रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां वाला पॉइंट है, सरफेस वाला, अभी r लेते हैं r वाला पॉइंट। फिर जैसे जैसे r से बड़ा रीजन वाला जाएंगे, r का वैल्यू जो है वो, अब r का वैल्यू कैपिटल r से बड़ा हो गया, r का वैल्यू स्मॉल r से छोटा है, तो यहां पर अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा लेकिन 1 बाय r स्क्वायर के फॉर्म में, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 बाय r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर हुआ। एक सवाल करते हैं, देखो क्या सवाल है हमारा, सवाल है कि यहां पर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसकी चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है और रेडियस इसका दिया हुआ है आर। सवाल है, पहला सवाल ये देखो, यह 3D में है पूरा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस हो गया वही इधर ऐसे, दिस इज जेड एक्सिस। सवाल है ये हमारा ओरिजिन है। सवाल है देखो क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, पहला नंबर पी आर बाई टू कॉमा आर बाई टू कॉमा आर बाई टू, बी क्यू है आर बाई टू कॉमा आर बाई आर कॉमा आर, सी नंबर है पी क्यू ठीक है, अगला है आर कॉमा आर कॉमा आर, आर पॉइंट पे ये लिख लो, इन तीनों पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करके बताओ, और डी नंबर है ऐसे लिख लो एस डी लिख लो आर बाई रूट टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो। चलो चार पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हमको, तो बिल्कुल बता देंगे, ध्यान से सुनना, हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है। पहले एक बात बताओ कि r वेक्टर क्या होगा, r बाई टू आई कैप प्लस r बाई टू जे कैप प्लस r बाई टू के कैप। ये r बाई टू जो है वो r से क्या है छोटा है, r बाई टू r से क्या है हमारा छोटा, तो सेंटर से छोटा है, छोटा है मतलब कहाँ होगा, अंदर वाला कोई पॉइंट होगा, r बाई टू मैंने रेडियस से आधा ना है, अंदर कोई पॉइंट होगा सॉलिड के अंदर, और अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता था याद करो, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बताओ, तो रो आर, आर वेक्टर कितना है आर बाई टू आई कैप प्लस आर बाई टू जे कैप प्लस आर बाई टू के कैप अपॉन कितना ऑफकोर्स 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हुआ। अगर कोई बोल दे कि इसका मैग्नीट्यूड बता, बिल्कुल बता देंगे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा आर बाई टू का होल स्क्वायर
प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर बाई टू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर करते हैं, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर करते हैं और के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर करते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू आर बाई टू का होल क्यूब होल स्क्वायर सॉरी। तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 जो अंदर बाहर नहीं निकलेगा आर बाई टू इंटू रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 बार में कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर अपॉन 2 रूट 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसी तरह r बाई टू कॉमा आर कॉमा आर ये कहां पर होगा, तो x एक्सिस में r बाई टू चलना है और फिर पहुंचना है r, r चलना है कहां पे सरफेस पे, y एक्सिस में r चलना है, y एक्सिस में कहां चलना है r यहां पे y एक्सिस में r चलना है, ठीक है ना। और r बाई टू कॉमा y में r कैसे पॉसिबल है, y में r नहीं जा सकते हैं, y में r यहां पर पहुंच जाएंगे। अच्छा r by 2 x में गए फिर y में कितना गए r गए, अच्छा यहां पहुंचे r जो सामने y में r के बाहर निकल गए और फिर बाहर अंदर आना है अंदर r, तो सरफेस पे रहेगा ये पॉइंट कहां रहेगा सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता भी किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस पे है ना, तो रो इंटू आर बाई टू आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं इसका वैल्यू ही निकाल लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस ही देख लियो पता चल जाएगा कि छोटा है कि बड़ा है आर से, ठीक है। तो आर बाई टू आई कैप आर बाई टू का होल स्क्वायर होगा प्लस आर का स्क्वायर होगा प्लस आर का स्क्वायर होगा उसका रूट, तो आर स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चार आर स्क्वायर और चार 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 आठ और चार बारह कितना रूट थ्री आर स्क्वायर कितना आएगा, चार दूनी आठ चार दूनी आठ और आठ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नौ आर स्क्वायर भाई कितना फोर, तो दो पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही आएगा, नौ का वर्गमूल होगा तीन इसका दो आर, तो 1.5 आ रहा है, 1.5 आ क्या मतलब r से बाहर है, 1.5 आर मतलब r से बाहर ही, r से बाहरी के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं होता है, r से बाहरी के लिए, r से बाहरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं होता है, तो क्या होता है r से बाहरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं होता है, तो क्या होता है, तो देखो r से बाहरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब r का वैल्यू जो है वो r से बड़ा हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था वो स्फीयर, वो आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो याद है, तो बताओ के क्यू अपन आर कितना है, आर है थ्री बाई टू आर का होल स्क्वायर, तो के के क्यू की जगह पर कितना लिखेंगे रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, ये होता है चार्ज बाई नौ बाई फोर आर स्क्वायर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के जगह पर लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यू, अब वो कितना 9 आर स्क्वायर 9 बाई 4 आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और कटेगा वही और आर स्क्वायर से एक बार में कैंसिल, चार ऊपर चल जाएगा तो 4 रो आर अपॉन 9 3 27 इतना जो है 27 एप्सिलॉन नॉट 93 27 और चार चल जाएगा ऊपर इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो उसी तरह जो है तुमको सी और डी जो है अपने से बना लेना है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अगला सवाल है ऐसे, यहां पर हमारा कोसेंट्रिक स्फीयर है, कोसेंट्रिक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्जेस ऐसे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, ठीक है।
इसकी चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस दिया हुआ है आर वन और बड़ा वाला का रेडियस दिया हुआ है आर टू। ठीक है, सवाल है हमारा कि ध्यान से सुनना, सवाल है कि यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है बी और यहां पर एक पॉइंट है सी। सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ये सवाल है तो बढ़िया सवाल है, बताते हैं आराम से, कोई दिल जल्दबाजी नहीं है। देखो हमको B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो ध्यान से कि ये जो है कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी खाली जगह है। अभी कैविटी है तो हम इसको बताए थे कैविटी वाला सवाल को कैसे लिखने के लिए कि इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, एक टुकड़ा जो है इसको ऐसे दो टुकड़े में डिवाइड करो, एक स्फीयर ऐसे बना लो, ठीक है, इसको छोटा करके बना दिए थोड़ा सा, इस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरा पूरा वॉल्यूम में, ठीक है, ऐसे पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी और ए तो पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा, बी पॉइंट है यहां पर हो जाएगा और ए पॉइंट यहां पर हो जाएगा, सेंटर है, कोई बात नहीं, बी पॉइंट अंदर हो गया सी पॉइंट बाहर हो गया। देखो बी पॉइंट अंदर हो गया और ए पॉइंट यहां हो गया और सी पॉइंट क्या हो गया बाहर हो गया, और ओरिजिन है वो इसका सेंटर हुआ है वो। प्लस प्लस क्या करना है, देखो प्लस ये जो कैविटी दिख रहा है उसको एक काम करो स्फीयर ही बना लो, सॉलिड स्फीयर, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस में, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे प्लस में, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी को लिख लो माइनस रो, इसका प्लस रो इसका माइनस रो, जैसे ही ओवरलैप कराएंगे तो बीच वाला खाली हो जाएगा क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा इतना चार्ज, और कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वो कैविटी फॉर्म हो जाएगा। अब इसके कारण जो है, इसके कारण बी पॉइंट तो अंदर है लेकिन ए पॉइंट बाहर है और सी पॉइंट बाहर है, सी पॉइंट और बाहर है, देखो ठीक है। अब हमको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बता देंगे, ध्यान सुनना आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रो के कारण भी है, प्लस रो के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस रो के कारण। बताओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो के कारण, प्लस रो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना होगा, तो होगा रो रो इंटू आर। आर क्या होता है, आर होता है सेंटर और ए फैक्टर, ओ ए को ज्वाइन करने वाला लाइन, ओ ए फैक्टर लिखते हैं, आर नहीं पता है तो लिख देते हैं ओ ए फैक्टर अपॉन थ्री एफ नॉट प्लस माइनस रो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, माइनस रो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है पॉइंट बाहर वाला हो गया। अब बाहर वाला पॉइंट जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना जानते हैं कितना होता था, होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना, आर है हमारा ओ सेंटर है ना, यहाँ पे पॉइंट सेंटर है हमें, सेंटर ओ से ए के बीच का होल स्क्वायर, तो ओ से ए के बीच का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू इसको कर लो ओ ए का क्यूब कर लो और ओ ए वेक्टर लिख लो, बताए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बताए तो आर हो गया यहां से इस ओ से ज्वाइन करने वाला एक लाइन, तो दिस इज आर वेक्टर हो गया। अब देखो क्यू जो दिया नहीं है, रो दिया है, तो उसके जगह पे लिखो कि रो इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, के की जगह पे लिखेंगे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, रो नहीं माइनस रो, क्योंकि रो नहीं दिया है, माइनस रो दिया था उसके लिए, इसके लिए कितना दिया है, इसका दिया है माइनस रो दिया, देखो माइनस रो दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई इंटू कितना का क्यू, उसका वॉल्यूम कितना है आर वन का क्यू, रेडियस आर वन है, देखो इसका रेडियस दिया हुआ है आर वन, आर वन क्यू
अपॉन OA का क्यूब इनटू OA वेक्टर। देखो ध्यान से कि 4π से 4π कैंसिल और बच गया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया A पॉइंट पे, रो इनटू OA वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस 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 रो इनटू R1 का क्यूब इनटू OA वेक्टर अपॉन कितना, OA वेक्टर अपॉन OA वेक्टर अपॉन R1 का क्यूब। OA का क्यूब है, OA का क्यूब इनटू R क्यूब ये आ गया, और इस तरह R क्यूब लिख दिया नोवाल इनटू एप्सिलॉन नॉट, तीन को छूट गया। देखो O से A का क्यूब क्या है, O से A का क्यूब तो जो डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है ना, तो इसलिए वही छोड़ देंगे। तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अच्छा B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा है, B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रो की वजह से होगा प्लस माइनस रो की वजह से होगा। देखो रो की वजह से B पॉइंट किधर है, B पॉइंट अंदर है ऐसे, तो इसके वजह से लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड रो R अपॉन R नहीं ओ बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन प्लस माइनस रो की वजह से लिखो, माइनस रो की वजह से B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस रो की वजह से अंदर ही वाला पॉइंट है तो अंदर वाला पॉइंट है तो बताओ कि रो माइनस रो इंटू ओ बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन कट के आ गया 0, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार अगर हम छोटा छोटा स्फीयर कट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वाला पॉइंट पे कितना आएगा, 0 होगा होलो स्फीयर के कारण, अच्छी बात है। तीसरा नंबर है बी पे निकालिए, सी पे निकालना है, सी पे तो बताओ सी जो है वो बाहर वाला के कारण भी है, इस वाला स्फीयर के कारण भी बाहर पॉइंट है, प्लस रो वाला के कारण भी और माइनस रो वाला के कारण भी बाहर पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस रो के कारण होगा और माइनस रो के कारण होगा, रो के प्लस रो के कारण होगा के इंटू क्यू रो इंटू 4/3 पाई R1 का क्यू, बड़ा वाला ना है तो R2 का क्यू, के क्यू अपॉन R2 के क्यू इंटू वेक्टर फॉर्मेट लिख लो, तो वेक्टर फॉर्मेट में होगा कितना, C ना है तो OC का वेक्टर, OC वेक्टर बाई OC का होल क्यूब, ये हो गया प्लस माइनस रो के कारण होगा के इंटू माइनस रो इंटू 4/3 पाई इंटू उसका रेडियस है R1 दिया हुआ, R1 का क्यूब, ठीक है ना, अपॉन OC का क्यूब, उसके सेंटर से भी CA डिस्टेंस दूर है, इसके सेंटर से भी OCA डिस्टेंस दूर है, देखो OC से, और इसका रेडियस दिया था R1 और इसका रेडियस दिया है हमारा कितना R2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना OC का क्यूब इंटू OC वेक्टर, क्लियर हुआ, तो इसको सॉल्व कर लो आंसर हमारा आ जाएगा। चलो तो ये जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तुमको सिखा दिए, और एक सवाल देखो, सवाल है ऐसे, ऐसे ऐसे कैविटी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस इसका R दिया हुआ है और हमारा इसका सेंटर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सवाल है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए, ठीक है, एट पॉइंट सी,
सी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल देंगे। देखो ये कैविटी है, कैविटी वाला सवाल हम क्या करते थे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक स्फीयर होगा ऐसे, उसके कारण ये वाला सेंटर है हमारा, वो पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट सी हो गया, अंदर है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस एक छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है तुमको ये वाला यहाँ पर, वो हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी, ठीक है, सी हो गया। इसके सेंटर पे ही है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे ही। एक काम करते हैं, सेंटर पे नहीं, एक यहाँ पे थोड़ा सा, सी नहीं, यहाँ पे लिख लो रेडियस तो ए है, हमको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे सेंटर नहीं, यहाँ पे निकालना है, सी, सी पर, सी वहाँ है, ठीक है, देखो सी यहाँ पर है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। सी जो है सेंटर पे नहीं है, यहाँ पर है सी, सी यहाँ पर है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर है सी, देखो तो इसके कारण जो है, इस पे अगर प्लस रो लिखे हैं तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा, इस पे लिखना पड़ेगा हमको माइनस रो, अभी भी ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पॉइंट पे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रो की वजह से होगा, माइनस रो की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे जो है प्लस रो की वजह से कितना होगा, तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस रो की वजह से होगा रो आर, आर होगा ओसी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, प्लस के कारण अंदर है पी पॉइंट सी पॉइंट, प्लस माइनस रो की वजह से होगा माइनस रो इनटू ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस। मान लो कि ए पॉइंट है पी, तो हो गया पीसी, पीसी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब एक काम करते हैं, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रो कॉमन ले लो 3 एप्सिलॉन, बन गया ओसी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर, ठीक है। अच्छा ओसी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर क्या होगा, ओसी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर, ठीक है ना, ओसी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर क्या होगा, देखो ये हमारा ओ से सी वेक्टर है, ओसी वेक्टर, ठीक है ना, ये ओसी वेक्टर है, और हमारा यहाँ पे पॉइंट है कोई पी, ये हो गया हमारा पीसी वेक्टर, लेकिन सब्ट्रैक करना है, इसको सब्ट्रैक करना है, तो पीसी इधर पे है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ई वेक्टर कितना दिया है, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस ए लिख लो थोड़ा सा, ये जो ए दिया है ना ये लिख लो, ए वाला, ये हमारा ओ है, अब ए वाला जो डिस्टेंस है ए वाला, उसको लिख लेना थोड़ा के लिए ए, सेंटर से ओ से पी के बीच का डिस्टेंस लिख लो ए थोड़ा सा, ठीक है ना, धार लेना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए वाला जो डिस्टेंस है ओ से ए के बीच में ए, तो ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर करना है। तो एक काम करते हैं, पीसी ऊपर की तरफ है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ये ओ है, सी है, पीसी क्या हो जाएगा, माइनस पीसी हो जाएगा नीचे की तरफ, देखो ये ओसी वेक्टर हो गया, माइनस पीसी हो गया, तो ये हो गया रिजल्टेंट ए वेक्टर, तो इसके जगह लिख देंगे रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू ए वेक्टर, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, समझ गया ना, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे समझो एक क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं है, इसका रो जो है वो ऐसे दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू रो नोट एक्स स्क्वायर, वेरी कर रहा है एक्स के साथ, ठीक है ना, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं सेंटर से,
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रो बढ़ रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका रेडियस इसका दिया हुआ है कैपिटल आर, ठीक है। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला आर का वैल्यू जब कैपिटल आर से बड़ा हो तब, और दूसरा है आर का वैल्यू आर से क्या हो छोटा हो तब, मतलब एक पॉइंट अंदर है एक पॉइंट बाहर है, तब दोनों पॉइंट पे जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर डिस्टेंस दूर निकाल देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल निकाल देंगे, आराम से समझो। पहला तो सवाल है बाहर निकालना है हमको, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो मान लो कि यहां पर पहले आउटसाइड देख लेते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या कि आर का वैल्यू आर से क्या हो बड़ा, तो इससे हमको आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या किए थे, यहां से एक डिस्टेंस दूर गए थे, एक छोटा सा सेल कट किए थे, अब एक सेल कट करने से काम नहीं बना था तो एक और सेल कट किए थे, ऐसे एक और सेल कट किए थे, ठीक है, ऐसे। अब इस सेल की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो इस सेल के लिए, इस सेल के लिए ये जो पी पॉइंट है बाहर ही हो गया, बाहर वाला पॉइंट, इसके कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था डी, तो ई जो चार्ज है डी क्यू, इसको आराम से लिख सकते हो रू इंटू डी बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो चार्ज डी क्यू है अपॉन कितना आर स्क्वायर, इससे सेंटर से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो के इंटू डी क्यू की जगह पर रो इंटू डी बी अपॉन आर स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू के रो की जगह पर कितना है रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी बी वॉल्यूम, ये जो कट किए हैं छोटा सा होलो स्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा इसका एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है इसका, थिकनेस है डी एक्स, तो थिकनेस है डी एक्स, तो हो जाएगा एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस डी एक्स, छोटा सा डी बी हो गया, ये रो की जगह पर रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिए अपन कितना आर स्क्वायर। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो छोटा छोटा वही जोड़ते जाएंगे डी 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 डी, ठीक है, जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी कितना के रो नोट एक्स के पावर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा इंटू फोर पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो जो कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, के कॉन्स्टेंट है, रो नोट कॉन्स्टेंट है, फोर पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो के इंटू रो नोट इंटू फोर पाई बाहर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, बच जाएगा कितना एक्स के पावर चार इंटू डी एक्स जीरो से लेके आर तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना रो नोट इंटू फोर पाई इंटू के वैल्यू लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स के पावर चार का इंटीग्रेशन एक्स के पावर पांच अपॉन पांच जीरो से लेके कितना आर तक, सही है ना, इतना सही है। चलो तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा रो नोट इंटू फोर पाई इंटू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर के पावर पांच अपॉन पांच, देखो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया रो नोट इंटू आर के पावर पांच अपॉन पांच आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड रीजन में, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इतना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर स्क्वायर, रो नोट आर के पावर पांच पांच और एप्सिलॉन नोट क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया। अच्छा दूसरा है इनसाइड, इनसाइड इनसाइड मतलब आर का वैल्यू आर से छोटा, तो इनसाइड निकालने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात नहीं है, कैसे देखो यहां पर ऐसा सेल है, सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो बताओ कि अगर हमको यहां से आर डिस्टेंस दूर यहां पे निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई सब सेल के कारण ए वाला सेल कट करेंगे, ए वाला सेल कट करेंगे, ए वाला सेल कट करेंगे,
उसी तरह ए वाला सेल कट करेंगे, ऐसे यहां से लेके आर तक कट करेंगे तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ही आर से जैसे ही दूर जाएंगे तो उस बाहर वाला सेल के कारण अंदर एक क्या हो जाएगा, इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, और बाहर वाले सेल के कारण इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो आर से जैसे ही कैपिटल आर तक बढ़ जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करेंगे डी जीरो से आर तक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो से लेकर आर तक उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एक स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, ठीक है ना, एक स्मॉल आर से कैपिटल आर तक उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन स्मॉल आर से कैपिटल आर तक तो इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। बोलो अच्छा, अब जीरो से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो बताओ कि हम क्या किए हैं कि जीरो से आर तक ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक काम कर रहे हैं, यहां से एक डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा एक ऐसे ही स्फीयर कट किए, ऐसे कौन सा स्फीयर कट किए, ऑफकोर्स होलो स्फीयर कट किए, ऐसे एक कट करने से काम नहीं बनता, एक और कट कर लिए, देखो एक और कट कर लिए ऐसे dx थिकनेस का, dx थिकनेस का एक और कट कर लिए ऐसे एक डिस्टेंस दूर जाके, यहां से एक डिस्टेंस दूर जाके इसका जो थिकनेस है कितना है, dx है। तो इस थिकनेस के कारण जो है p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत आसान, ये जो एक सेल है यहां पर, ये क्या है, एक सेल यहां पर, ये जो दिख रहा है तुमको ये हमारा क्या है, सेल है, जिसका थिकनेस कितना दिया है, cos dx दिया हुआ है। अब इससे r डिस्टेंस दूर हमको p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेल के कारण आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आएगा कितना, k इंटू dq अपॉन r स्क्वायर, इसका चार्ज होगा dq r स्क्वायर, सेंटर से बीच का डिस्टेंस। तो बताओ कि dE इज इक्वल टू k, dq की जगह पे लिखेंगे रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर, k रो इंटू dv, व्हाट इज dv, तो dv इज 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, अरे इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ये जो कट किए हैं वो कितना दूर जाके कट किए हैं, x दूर, थिकनेस है dx, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया होता है इस स्फीयर का 4 पाई x स्क्वायर इंटू थिकनेस dx अपॉन कितना, r स्क्वायर। तो बताओ कि छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जोड़ते जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डी जीरो से आर तक, इंटीग्रेशन जीरो से आर, जीरो से आर ही तक है ना, देखो ए वाला बचा हुआ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वाला बचा हुआ है तो इसके अंदर पुट कर दिए, कितना है, के इंटू रो इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि रो की जगह पे दिया हुआ है सवाल में पहले से, कितना के इंटू फोर पाई इंटू कॉन्स्टेंट है बाहर, रो की जगह पे दिया है रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और कुछ दिया हुआ है इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से लेके आर तक, तो यहाँ पर रो नोट भी बाहर निकलने वाला है और एक और एक्स स्क्वायर था पहले से ही, तो रो की जगह पे लिखे हैं रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर पहले से था, देखो यहाँ पे ये रो की जगह पे लिखे हैं रो नोट इंटू एक्स स्क्वायर, तो के की जगह पे लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई पहले से है, और रो नोट भी बाहर निकलेगा और आर स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, बच्चे का इंटीग्रेशन जीरो से लेके आर तक एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास कितना, ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो नोड ऊपर है अपॉन नीचे कितना है, अब एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है अभी इंटू, इसका करेंगे तो एक्स का पावर 5 अपॉन 5 आएगा, एक्स का पावर 5 अपॉन कितना आएगा, 5, कितना सही है ना, एक्स के पावर 5 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, इंटू जीरो से लेके कितना आर तक, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, रो नोड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा कितना, आर के पावर 5 अपॉन 5, ई आर से कितना बार में, क्यू बार में, तो रो नोड इंटू आर क्यूब अपॉन कितना, 5 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर का क्यूब है, क्यूबिक है, क्लियर हुआ, क्यूबिक है, बोलो समझ में आया, ये था हमारा सवाल, ठीक है।
इस वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके कारण देखें, एक होलोस्फीयर के कारण देखें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण देखें, ठीक है। सॉरी, तो ऑल द बेस्ट।